लड़किया ढूंढना तो बंद करें ना पहले ठीक <laughs> तो है तो अल्लाह को ढूंढे लड़कियां खुद ही मिल जाएंगी जो वाली ठीक है सो लड़कियों को भी वही प्रॉब्लम है बात अल्लाह वाला बंदा ऐसे नहीं मिलेगा मैं भी उनको भी मशवरा देता हूँ कि अल्लाह को ढूंढे लड़का ढूंढना बंद कर दें मगर क्या करेंगे आप दस मिनट का इंटरव्यू लिया करेंगे हाँ जी ये प्लीज क्वेश्चन नंबर वन से टेन तक फिल कर दें देखूंगा क्या आंसर आता no uh, है इज नो वे टू फाइंड दैट ऑफ कोर्स यू यू लिव इन ए वेयर पीपल कैन सी क्या तुम्हारा वक्त और तो तुम्हारा पैसा कहाँ जा रहा है अब लड़की का तो ना वक्त ना पैसे का अंदाजा तो नहीं आप कर सकते क्या करेंगे घर में जाके रहना शुरू कर देंगे उसके लड़के का अंदाजा लेकिन जरूर लगाएं लड़कियों को मैं कह रहा हूँ कि उसका वक्त और पैसा किधर जाता है और अगर वक्त और पैसा जो है ना उसका वो अल्लाह के लिए है तो ठीक है फिर आप क्योंकि देखें मुनाफिक की सबसे पहली निशानी क्या है पांच वक्त नमाजी है हो ठीक है तो बस ये है कहानी आ, मर्द का उलट औरत नहीं होती मर्द का उलट औरत नहीं होती मर्द का उलट मुनाफिक होता है याद रखिएगा ठीक है और औरत का उलट मर्द नहीं होता औरत का भी उलट मुनाफिक होता है इस्लाम के अंदर आए और डिक्शनरी बनाए अपनी ठीक है सो so, इट्स ये मत देखिए पांच वक्त नमाजी है लड़की वी डोंट नो दैट तो, सॉरी हमें नहीं पता चलेगा नमाजी से मस्जिद जरार मतलब मैं कैसे बताऊं की अखलाक सबसे ऊपर किसका मुनाफिक का उसके बाद मोमिन का चेक करें ना ये हमारे हम सबको पता है एंड यू राइट वैल्यूज तो जॉर्डन पीटरसन या यू नो सेगमेंट फ्रॉइड बताएगा वो तो वैल्यूज भी नहीं बताएंगे वो तो कोड ऑफ लाइफ भी बताएंगे आप तो आपने ठीक पकड़ा है सो so, हम इनक्वा फ्रेंकली यू हैव टू अंडरस्टैंड हमारी फैसिनेशन में डाला गया है Cool chick. We will never marry a good person, we'll marry a cool person. We will never marry a a a, a, a person who's not cool. Okay? we will compromise so many Islamic uh, you know stipulations just because the girl is cool, she can talk really well, she can crack a joke. Oh my god, so well. Oh I just you know, I fell for her sense of humor. You know what I'm saying? Yeah, yeah, am ये जॉर्डन पीटरसन से भी आगे के लेवल you know, so, क्राइटेरिया क्या होता है आपके बच्चों की जो माँ होनी या बाप होना है उसका क्राइटेरिया क्या होना है कि वो मर जाएगा मगर अल्लाह का कानून नहीं तोड़ेगा और टूट गया तो रिपेंटेंस में वो इंप्रूवमेंट आएगी कि जैसे हीरा मतलब पर चट्टान में से बाहर आया ऐसा निकल के वापस आएगा हमने गुना तो और निखार देते हैं तोबा के थ्रू अल्लाह ताला को तोबा क्यों इतनी पसंद है वो स्पिरिचुअलिटी की पीक आती है कि जो आम मोमिन को आ सकती कि गुनागार मोमिन जब तोबा के थ्रू क्लीन होकर आता है वो सारी उम्र के लिए इतना इतना कोई रोशन सितारा बन जाता है सो इस तरह के इस तरह के मामला आपने देखने हैं कि जो दिल की नरमी के हों और अल्लाह ताला के पास पहुंचने की नीत पे एक्टिविज्म आदमी को तो एक्टिविज्म मैं तो कहता हूँ सही बता रहा हूँ औरत को भी ना थोड़ा सा एक्टिविज्म चेक कर लें हो जाता चेक कि अल्लाह के लिए कर क्या रही है वो हमारे बेडरूम में बैठे किताबें पढ़ना तो बहुत आसान काम है और क्या करती हैं आप आज कल के दौर में बाकी तो के काम तो कर लें यूनिवर्सिटी जाती हूँ मैं तो ये करती हूँ वो करती हूँ आप और क्या करती हैं वेरी इज वेरी आर यू एक्टिव सो आपको थोड़ा बहुत समझ आ ही जाएगी कि आई नो बात इतने घंटे वो अल्लाह के लिए कर ही रही किसको किसको दिखा रही थी यू नो अल्लाह काम में तो आप मशहूर नहीं होते किसको दिखा रहे थे फेसबुक पे तो नहीं पता चलता ना या इंस्टा पे सो यू कैन आई नॉट नो आई आई एम स्केप्टिक अबाउट द फैक्ट प्लीजी मैन इज गोइंग टू बी श्योर वेदर लड़की ठीक मिली है कि नहीं आई 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 एम सॉरी क्या डू दैट मगर लड़की को काफी अंदाजा हो सकता है लड़की वालों को कि लड़का क्या करता है पैसे किधर जाते हैं इसके काम क्या है इसका मतलब वक्त किधर जा रहा है वो उससे पता चल जाएगा खाली नमाजें देख के आपने कह दिया हैं तो आपको मैं कैसे बताऊं? ऐसे ऐसे घरों में नमाजें पढ़ी जा रही हैं और उसके बावजूद वो वो काम हो रहा है और वो वो काम नहीं हो रहा जो होना चाहिए था कि इस्लाम तो कहीं से भी नहीं आया और नमाजें कैंसर बन गई भी उनका क्या कैसे कैंसर बनती है नमाजें नमाज पढ़ के अजीब व गीब तकबर तो आता है कि हाँ बस मैं मुमिन हूं। उसके बाद अपने आप को वो वाली चीजें अलाउ कर लेते हैं जो कि नबियों को नहीं अलाव होती और यह ऐसा कैंसर है तो अपने आप को उन चीज़ों से दूर रखता है जो कि इस्लाम को सबसे सब ज्यादा जरूरत थी उसके इलाके में सबसे सब जरूरत थी मुसलमानों को जरूरत थी नहीं वो अपने आप को जस्टिफाई कर गया कि यार मैं फजर पढ़ी है मैं पांच वक्त नमाजी हूँ और बीवी के भी उतने ही लो स्टैंड होते हैं अपनी बहन भे, को बता रही होती है अम्मी मेरा शोर तो उस तुबा तारी जमील के बाद उसका नाम आता है पांच फजर के वक्त तो उठता है ठंडे पानी से वजू करता है बस काफी है उसको दुनिया में और कोई काम नहीं करता दफ्तर जाके अपने बहुत ही खुश करता है ठीक है घर में आता है रात को गिटार लैसेंस पूरे कर रहा होता है लिटरली बस फजर की नमाज पढ़ता तो बस बस यू नो दिस इज साबी लेवल साबी लेवल का उसको स्टैचर दिया जा रहा है सो इट्स इट्स अ अ प्रॉब्लम यू एंड आई आर बोथ इन इन एज ग्रे ऑफ आई अमीज नो चेक लिस्ट नबील इस्लाम ने शाह फरमाया जरा ये जरा मोलवी साहब की लेंस से जरा ये बात पूरी करके दिखाएं मौलवी साहब की करंट पाकिस्तानी दो नंबर इस्लाम वर्जन में पूरी करके दिखाएं नबी इस्लाम ने कहा कि लड़की का पहले दीन चेक करना बाद में शक्ल चेक करना ठीक है अब बताएं लड़की का दीन कैसे चेक करते हैं किसी के घर जाए आप लड़की देखने क्या कहूं नमाज पढ़ के दिखा मतलब दीन कैसे चेक करते लड़की का हाउ कैन यू इसका मतलब है कि ये वो हम लोगों ने वो पर्दे भी डाल दिए हैं इस्लाम में पाकिस्तान में जो इस्लाम में है ही नहीं एक लड़की का दीन मैं कैसे चेक करूं मुझे बताएं नबी नबीलाम ने डायरेक्ट हुक्म दिया लड़की का दीन चेक करें सो so, लड़के का दीन चेक करने बहुत तरीकों से चेक हो रहा है मैंने आपको दो इसलिए कि ये छुपा नहीं सकता इंसान पैसे कहां लगा रहा छुपा नहीं सकता वक्त कहां लगा रहा छुपा ही नहीं सकता लड़की का दिन भी चेक करना जरूरी है वी हैव टू कम अप टोटली डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ आर कल्चर नॉट रिलीजन कल्चर तो नो के यार लड़की कैसे कैसे इस्लामी औरत अल्लाह के स्टैंडर्ड को पूरे करने वाली औरत कि पाई जाती ठीक है ठीके? और अभी भी आपको एविन्यूज मिल जाएंगी बात तो जहाँ पे अल्लाह मैं प्रोटेस्ट देखे मैंने फलस्तीन के वक्त लड़कियां थी और पत्थर उठाए हुए थे मामली छोड़ेंगी मतलब वो फेसबुक के लिए you know, कार्टेशियन सिस्टर्स तो भी थी ना वो वा, अल्लाह वाली थी आई हुई थी कहीं ना कहीं से तो पहुंच जाती मदरसों में कुरने पाक किस तरीके तफसर पूरी करने की कोशिश कर रही है वो अरबी की क्लासेस हो रही है नुमान अली खान की क्लास में देखें पाकिस्तानी लड़कियां बैठी होती है ठीक है लोग करने की कोशिश कर रहे हैं वन स्टेप टू स्टेप थ्री स्टेप इन्हीं एवेन्यू में मिलेंगे आपको अल्लाह वालिया आपको यूट्यूब पे कॉमर्स तो नहीं मिलेंगी सो इट्स इट्स नॉट आई मीन इट्स नॉट इम्पॉसिबल बट बट मैं ना उस एनर्जी पे बिलीव करता हूं जो कि पाकिस्तानी लड़के ने अजलों से दिखाई है लड़की ढूंढने के लिए बहुत तेज है इंशाल्लाह ये वाले रास्ते में भी आपको हम नजर आएंगे हमें लड़की मिली जाती है फॉर सम रीजन दिस इज द वन एंटिटी दैट वॉज ने आप उन एवेन्यूज में जाए तो यू विल फाइंड आउट के अल्लाह वालिया हैं अब किसी को अगर खतीजा पे या फातम तो जहरा के स्टैंडर्ड्स के ऊपर आप टेस्ट करेंगे तो वो तो फेल ही होगी तो बिल्कुल इसी तरीके की बात है मुझे अली बिन अबी तालिब के स्टैंडर्ड को टेस्ट कर रहा हो तो फिर तो मैंने कवारा ही मरना है ना बड़ा करें देखिए नियत तो और उसकी एक्टिविज्म का डायरेक्शन किधर है बाकी चांस तो ले अल्लाह ताला के हाथ में बाकी क्या होना है फ्यूचर में बट करेंसी ठीक रखें करेंसी अगर ठीक नहीं रखी हुई सेंस ऑफ ह्यूमर चेक करें आप उसका उसकी लुक्स चेक करें लंबी कितनी है छोटी कितनी है छोटी तो कोई नहीं देखता लंबी देखते जा रहे तो लॉस्ट कॉज कभी भी नहीं कभी भी नहीं मिलेगा आपको लड़का या कभी भी नहीं लड़की मिलेगी जो आपको अल्लाह तक पहुंचा या कबर में या कबर से जब उठेंगे ना तब आपको पता चलेगा कि ये मेरे वो वाले फिल्में थी जो मैंने देखी थी जिनकी वजह से फैसिनेशन डेवलप की थी उन फैसिनेशन पे पूरा उतरने वाली बी बीवी निकाल ली उस बीवी -बी ने मरवाया आज फिल्में देखी थी उधर से फैसिनेशन निकाली थी उन फैसिनेशन पे उतरने वाला लड़का देख लिया उसने मरवा दिया आज ये जुमले बोल रहे होंगे जब खड़े होंगे हशीत वाले दिन ठीक है सो so, और उल्टे जुमले बोल रहे होंगे लड़के और लड़कियां कि वो किताब पढ़ी थी वहां से हीरो वो वाला लेक्चर सुना था वहां से एक फैसिनेशन आई थी उस फैसिनेशन पे पूरा उतरने वाला एक बंदा मैंने शादी हो गई उसने बचा लिया नबी नबीसलाम ने शाह फरमाया कि अल्लाह भी हैरान हो जाएंगे उस दिन अल्लाह अल्लाह भी हैरान हो जाएंगे उस दिन जब देखेंगे फरिश्ते जंजीरों से जकड़ जकड़ के लोगों को जन्नत में फेंक रहे हैं वो कौन सी दिन जिन्हें चेंज जो the, अगर इनके बस में होता तो कभी भी जनत में जाते ये फैसिनेशन थी ये साइकोलॉजी वो प्राइम कर दिया गया था वो थॉट पूरी की पूरी प्रिवेलिं, प्रिवेलिं थी। वो इस्लामिक थॉट थी तो जन्नत में पहुँचा रही है आपको आपके बस में ही नहीं है अगर इस्लामिक थाट नहीं थी तो जनस में पहुंचा रही है आपके बस में ही नहीं सो कंट्रोल योर कॉन्शियसनेस के अंदर आए कंट्रोल योर सेल्फ कॉन्शियस बींगू री आर एन वट यू रीली वॉन्ट ऐसे ऐसी लड़कियां क्वालिफाई करना शुरू हो जाए ऐसे लड़के भी क्यों आज उनको तो हम कभी देखते नहीं थे अचानक वो खूबसूरत लगेंगे क्योंकि उनके अंदर की खूबसूरती उनके अमल से जाहिर हो रही होगी इतनी खुशनीय औरत है इतनी ताकतवर और जर्री औरतवाई कर रही है अल्लाह के लिए पता नहीं किस किस बंदे से किस किस जगह के ऊपर मसलों में मगर अल्लाह पर इक्तफा करके बैठी हुई है कि हो जाएगा कब तब असली खूबसूरतियां नजर आएंगी ना हमें औरतों और मर्दों की ठीक है अभी तो हम बस नाक और कमर ही देखते हैं लड़की और क्या काम है ये इसमें तो बकरा भी नहीं देखा रहता जिस तरीके से औरत को देखा जाता है पाकिस्तान में और बकरा भी खुदा की हम ज़बा करने के लिए देखते हैं हम ठीक है सर बिल्कुल इसी तरीके से ये 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 औकात है औरत की एक गैर मुस्लिम के सामने या मुसलमान नुमा गैर मुस्लिम के सामने